हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं ये कच्चे नारियल को कट कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ मसालों को ऑयल मस्टर्ड ऑयल लिया था मैंने, उसमें मैंने राई डालकर हल्दी डाल दी थी और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को मैंने यहाँ पर ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था राई डाल के। और इसको मैं ये यहाँ पर इसमें डाल दिया है मैंने नारियल में, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल रही हूँ और इसको जल्दी से मैं ग्राइंड कर लूँगी तो चटनी बनकर यहाँ पर जल्दी से रेडी हो जाएगी। चटनी बनकर रेडी हो गई, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में मैं जल्दी से डोसा बना रही हूँ। तो डोसा तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ डोसा। तो इडली डोसा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि ये फर्मेंटेड होते हैं। जितनी भी फर्मेंटेड चीज़ें होती हैं वो हमारे डाइजेशन को अच्छा रखती हैं और गुड बैक्टीरियाज को बनाती हैं। तो इसलिए मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं, जो भी फर्मेंट करके चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसलिए दिन में अगर एक बार ऐसी चीज़ें मिल जाएँ तो काफ़ी अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए। तो मैं बस जल्दी जल्दी से, मेरे पास ये बैटर रखा हुआ था, मैंने चटनी बना दी तो मुझे भी काफ़ी हेल्प हो गई। मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। और डोसा या इडली में ऐसा ही होता है कि अगर आपका बैटर फर्मेंटेड रखा हुआ है तो आप जल्दी से उसको डाल के बना दीजिए, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ पर जल्दी से बस डोसा बनकर रेडी हो गया है तो मैं सबको जल्दी जल्दी से देती जाऊँगी और बन भी बहुत जल्दी से जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी सा डोसा जल्दी से बन के तैयार हो गया है। और बस यहाँ पर मैं चटनी रख दूँगी और मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पर हो गया है। लंच के लिए मैं बना रही हूँ मूंग दाल कोफ्ता। तो वो बनाने के लिए मैंने जिंजर गार्लिक चिली और ऑनियन और उसमें हल्दी धनिया मिर्च और किचन किंग मसाला सबको डालकर एक पेस्ट बना लिया है। उसके बाद मैंने गोभी को ऐसे पानी में डालकर थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। आप देख सकते हैं ज़्यादा बॉईल नहीं किया है, केवल 5 मिनट तक ही इसको मैंने बॉईल किया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर टमेटोज़ कट करके रख लिए हैं ग्रेवी के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ओवरनाइट सूख किया था मूंग दाल को और इसको अभी मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इसको ग्राइंड करते समय मैं इसमें डालूँगी 1 टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 हरी मिर्च। तो मैं यहाँ पर ऐसे डाल दूँगी और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लिया है मैंने। और ग्राइंड करने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी एक अलग बोल में। तो यहाँ उसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा बैटर अलग से रखा है जिसका मैं एक स्वीट बनाऊँगी जो तो यहाँ गोभी को स्ट्रेनर में डालकर मैंने उसका सारा पानी निकाल दिया है और उसके बाद मैंने उसको ग्राइंड करके उसको अच्छे से स्क्वीज़ किया है हाथ से, सारा पानी उसका निकाल दिया है और इसको बैटर में मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है तो बेसन को मैं इसमें डाल रही हूँ और 2 बड़े चम्मच बेसन है ये। और इसमें मैं कुछ मसाले भी मिक्स करूँगी। तो इसमें मैंने 1.5 छोटे चम्मच नमक डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी डाली है और यहाँ पे अजवाइन डाला है 1/2 चम्मच और जीरा डाल रही हूँ मैं 1/2 चम्मच। और उसके बाद में मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा जीरा डाल दिया है और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए मैं इसके और उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ी हींग भी डाली है। और उसके बाद में अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके ऐसे राउंड बना लूँगी, गोल शेप ये दे दूँगी मैं इसको ऐसे बॉल्स बना के। फिर मैंने ये रिफाइंड ऑयल में इसको मैं फ्राई कर रही हूँ तो मीडियम हीट मैंने रखा है इस टाइम पर। और अच्छे से इसको मैं जब ये गर्म हो गया था उसके बाद मैं इसको फ्राई किया है मैंने। तो इसको मुझे फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लग गए हैं और अच्छे से मैंने इसको फ्राई किया है। उसके बीच में ही यहाँ पर घी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था घी बनने के लिए। तो घी बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कपड़े से छान लिया है और इतना घी यहाँ पर निकला है। तो इसको मैं साइड में रख दूँगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसको मैं जार में डालूँगी। और यहाँ पर बीच में ये घी खीर बन रही थी तो साबूदाना की खीर मैं बना रही हूँ। तो खीर को भी बीच में चलाती जा रही हूँ, ये ऑलमोस्ट बन चुकी है। और यहाँ पर कोफ्ताज भी रेडी हो रहे हैं तो एक साइड में। तो यहाँ पर टमेटोज़ में मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला डालकर उसको ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पर
मेथी डालकर मैंने ये जो पेस्ट बनाया था ना, जिंजर गार्लिक और रेड चिली और सब मसाले डाल के, हल्दी धनिया मिर्च, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये अच्छे से फ्राई हो जाए जब, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे अच्छे से भुन गया है। और यहाँ पर ये अच्छे से भुन गया है, तो इसमें मैं यहाँ पर ये जो पेस्ट बनाया था टमाटो प्यूरी, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। और ये अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा, और यहाँ पर मैं शुगर सिरप बना रही हूँ, तो जो थोड़ा सा बैटर बच गया था मूंग दाल का, तो उसे छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बनाकर इसमें शुगर सिरप में मैं डालूँगी। तो वो इसमें मैं डाल देती हूँ गरम गरम में ही, और इसको थोड़ा सा और गरम होने के लिए एक बार रख दूंगी शुगर सिरप सिरप को, जिससे इसमें सिरप अच्छे से चला जाए। और जब मसाला अच्छे से यहाँ पे हो गया था, तो मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डालकर इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद में पकौड़ास डाले हैं मैंने ये, और इसको 10 मिनट तक अच्छे से बनाया। उसके बाद मैंने ये प्लेटिंग की है। तो यहाँ पर थाली बनकर रेडी है, राइस है, दो चटनी है, यहाँ पर कोफ्ता है और खीर है, और वो जो स्वीट बनाई थी वो है, और पापड़ और जी। तो बताइए आपको ये प्लेट कैसी लगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।